हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लाइगोपोडियम के बारे में, जिसका पूरा नाम लाइगोपोडियम क्लेविटम है, इसका कॉमन नेम क्लेमास है। तो इसको आपको जो है कहाँ यूज करनी है, कब यूज करनी है और कैसे यूज करनी है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जो है इसका पहला सिम्टम है, हम देखिए आपको जो सिम्टम हम सीरियली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो सिम्टम गोल्डन है, पहले आपको मैं वो बता दे रहा हूँ कि इसका पहला सिम्टम है, आप जब पेशाब करने जाते हैं तो आपको वेट करना पड़ता है। परेशानी कुछ भी नहीं है, न कोई दर्द है, जलन है, आपको वेट करना पड़ता है। तो आप जो है लाइगोपोडियम 200 की जो है एक डोज सप्ताह में दो बार करके लगातार ले लीजिए, तो आपका जो है पेशाब की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है गैस्ट्रिक पर, जो है ये गैस्ट्रिक बहुत काम करती है। आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया है, आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, आप जो है खाना खाने बैठते हैं, आपको भूख अच्छी लगी है, लेकिन आप खाना खाने बैठे, आप जो है थोड़ा सा खाना लिए, दो चार कौर लिए, फिर उठ के आप चले गए, तो अगर आपकी जो है परेशानी 4 से 8 के बीच में बढ़ती है और आप गैस्ट्रिक के मरीज हैं, आपका एब्डोमेन जो है फूला फूला रहता है, तो आप लाइगोपोडियम 30 पावर के दिन में सुबह शाम लगातार कुछ दिन लीजिए, आपका जो है यह पेट का अगर सिम्टम है तो आपका जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है कॉर्नस पर, जो है अगर आपको छूने से दर्द हो रहा है और जो है एंटीकूड आप खा चुके हैं, उससे अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो आप जो है उसके बाद में आप ये दवाई आप लाइगोपोडियम खाइएगा, तो आपका जो है कॉर्नस ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि उसमें जो है दर्द रहे और सोरनेस रहे, माने छूने से आपको दर्द रहे। लाइगोपोडियम 30 पावर भी खा सकते हैं, लेकिन कॉर्नस के लिए 200 एक डोज काफ़ी रहेगा, हफ्ते में एक बार करके आप कुछ दिन दे लीजिए, तो आपकी जो है कॉर्नस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है हेड पर, जो है डेंड्रफ पर, इसमें जो है क्या आपको इचिंग होती है और उसके साथ में जो है माथा में दर्द हो जा रहा है, और आपको जो है गर्म पानी से अगर नहाते हैं तो आपकी इचिंग बढ़ जाती है। अगर ऐसा सिम्टम है तो आप लाइगोपोडियम 30 पावर की सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपका डेंड्रफ ठीक हो जाएगा और आपके जो स्कल्प में जो इचिंग होती है, खजूर होती है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है यूरिन पर, पेशाब पर। हम बेड यूटिंग पर वीडियो बना दिए हैं, लेकिन एक पॉइंट उसमें नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि जो है एक साथ में इतना दवाई बताना जरूरी होता है। तो अगर आप जो है आप जो यंग एज के हैं या आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो आपको रात में जो है पेशाब हो गया ड्यूरिंग स्लीप, अगर आपको रात में सोने समय पेशाब अपने आप हो जा रहा है और आपकी एज ज़्यादा हो गई है, आप 60 साल के हैं या 70 साल के हैं, आप जो है लाइगोपोडियम 200 की एक डोज हफ्ता में एक बार करके ले लीजिए, आपको जो है जो रात में पेशाब होती है बिस्तर पर आप मालूम नहीं पड़ता है, तो आपका जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला सिम्टम है सेक्सुअल डिजायर पर, तो इसमें क्या डिजायर जो है एकदम लास्ट हो जाती है या खत्म हो जाती है जिसको बोलते हैं, तो आपको इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है। आप लाइगोपोडियम यंग एज है, आप लाइगोपोडियम 1000 पावर चाचा बूंद करके एक हफ्ता में एक बार करके कुछ दिन दे लीजिए, तो आपकी जो है सेक्स की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। अगला सिम्टम है जो है लाइगोपोडियम का पेशेंट जो है चिदी रहता है, वार्म फूड हमेशा खाएगा, ठंडा खाना आप रख देंगे, लाइगोपोडियम का पेशेंट ठंडा चीज़ नहीं खाएगा, तो आप लाइगोपोडियम 200 की जो है बीच बीच में जो है एक हफ्ता में एक बार खिलाते रहिए, खाते रहिए, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है स्किन पर, अगर आपको शरीर में कहीं पर भी एक्जिमा है और एक्जिमा के साथ में अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो आप लाइगोपोडियम 200 की, चूंकि एक्जिमा का प्रॉब्लम है तो आप 200 हफ्ता में 4 बूंद करके कुछ हफ्ता खा लीजिए, आपका एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा। और अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस होता है नीचे के पोर्शन में ज्यादा होता है और वो भी 4 से 8 के बीच में बढ़ जाता है, अगर ऐसा सिम्टम है तो आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा, तो आप लाइगोपोडियम 200 की 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार खा लीजिए, आपका एक्जिमा ठीक हो जाएगा और आपका जो पेट में गैस बनती है नीचे के भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है समय के पहले जो है बाल जो है सफेद हो जाते हैं, अगर समय के पहले जैसे आपकी यंग एज है तो उसके पहले अगर आपके बाल सफेद हो गए, तो आप जो लाइगोपोडियम 30 पावर की सुबह शाम 1-1 महीना खा लीजिए, आपका जो बाल पकना जो है ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है जो है लाइगोपोडियम के पेशेंट जो है हमेशा एक चिंता में रहता है हमेशा, और इसके पेशेंट को जो है अक्सर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो आप जो है लाइगोपोडियम 200 पावर की जो है 4-4 बूंद करके हफ्ता में एक बार कुछ दिन दे दीजिए, तो उसकी जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, उसका जो मेंटल जो स्ट्रेस रहता है आपकी ठीक हो जाएगी। अगला सिम्टम है सबसे अच्छा सिम्टम है गोल्डन सिम्टम, राइट साइड रेमेडी, अगर आपको राइट साइड में दर्द है, राइट साइड हेडेक में है, राइट हाथ में दर्द है, राइट पाँव में दर्द है, माने कोई भी प्रॉब्लम आपको राइट साइड से होता है, तो आप लाइगोपोडियम जो है 200 की हफ्ता में दो बार करके 4-4 बूंद करके दे दीजिए, आपकी जो राइट साइड की कोई प्रॉब्लम हो उठी हो जाएगी। और इसके साथ ही अगला सिम्टम है आपको प्रॉब्लम राइट साइड में हुई है और उसके बाद में वो बदल गई है लेफ्ट में, माने आपको एक बार इसमें दर्द हुआ, उसके बाद में फिर ये दर्द हो गया, ये दर्द ठीक नहीं हुआ फिर इसमें हो गया, अगर राइट साइड से ट्रांसफर हो गया लेफ्ट साइड में, तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा आप कोई सिम्टम देखें, तो आप जो लाइगोपोडियम 200 की सप्ताह में एक बार ले लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है राइट साइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।
तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है लाइस पर, जिसको बोलते हैं जू बोलते हैं। आपके बाल में जू हो गए हैं और जो है जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो है जू जो है ये जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई सिम्टम है आपके बाल में जू हो गए तो आप लाइकोपोडियम 200 की एक डोज डेली खाइए। इसके लिए एक डोज डेली खाइए, आस्ते आस्ते आपके जो है बाल में जो जू पड़ गए हैं, लाइस हो गया, आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है कि अगर आपके घर में जो है कोई बच्चा है, जो है 5 साल का 8 साल का 10 साल का कोई बच्चा है, बच्चा जो है होल डे जो रोता है, आपको कारण समझ में नहीं आएगा, बच्चा रोता ही आएगा, आप परेशान हो जाएंगे कि उसको क्या दिक्कत है, तो आप ये सिम्टम नोट कर लीजिए। अगर बच्चा जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर दिन भर जो है रोता है, तो आप बच्चे को लाइकोपोडियम 30 पावर की सुबह शाम दे दीजिए चाचा बुन करके कुछ दिन, तो आपका बच्चा आराम से जो है नॉर्मल हो जाएगा, माने वो जो है दिन में जो है जागेगा, रात में सोएगा। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम जो है अगर आपको राइट साइड में जो है निमोनिया हो गया है और सांस में तकलीफ हो रही है, लाइकोपोडियम 30 पावर की जो है इसको निमोनिया हो गया, तो आपको उसको ड्रॉप देने की जरूरत नहीं है, आप लाइकोपोडियम 30 पावर की 4 गोली करके दिन में 3 बार दे दीजिए, बच्चे का निमोनिया जो है आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा और बच्चे को आराम हो जाएगा। तो दोस्तों इसका अगला सिम्टम है, इसका जो है पेशेंट जो है बहुत चालाक रहता है, लेकिन फिजिकली जो है उसकी कमजोरी रहती है, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता है, लेकिन मेंटली बहुत चालाक रहता है, आपको एक मिनट में बेवकूफ बना देगा, तो आप लाइकोपोडियम 30 पावर की 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम जो हम एक एक करके बताएं वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम है आई पर, आई पर जो है एक सिम्टम है कि आप जो कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसका जो है आपको बाएं साइड का हाफ दिखाई देगा, तो ऐसा सिम्टम कभी कभी आता है, तभी हनीमन साहब ऐसा बनाए हैं, और ऐसा हमारे एक पेशेंट को भी हुआ था, जो है इस डिजीज को बोलते हैं हेमीओपिया, जैसे डिप्रोपिया होता है डबल विजन, ये अक्सर इसके पेशेंट बहुत ही रेयर होते हैं। आप लाइकोपोडियम खा लीजिए 200 की सप्ताह में एक बार, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम है फिर आई पर ही है, एक अगला सिम्टम है जब कोई पेशेंट सोया रहता है, आप देखते होंगे और हम भी देखे हैं, उसकी आँख खुली रहती है, आधी खुली रहती है आधी बंद रहती है, तो आपको लगता है कि आदमी जाग रहा है लेकिन एक्चुअल में आदमी सो रहा है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिले तो आप लाइकोपोडियम 200 की एक डोज दे दीजिए, आपको 4 बूंद आराम हो जाएगा, जरूरत पड़ने पर उसको हफ्ता में एक बार रिपीट कर सकते हैं, तो पेशेंट की जो है आँख जो है आधी खुली रहती है आधी बंद रहती है, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है मेंटल सिम्टम का जो है तीसरा लक्षण है, अगर ये आदमी जो है नया पर्सन से नहीं मिलना चाहता, न्यू पर्सन अगर कोई है तो उसको घबराहट हो जाती है, जो उसके जान पहचान के हैं उसके सराउंडिंग में जो घूमते रहते हैं बस उन्हीं से बात करेगा उन्हीं से मिलेगा, तो ऐसा सिम्टम है तो आप लाइकोपोडियम 30 पावर की जो सुबह शाम लगातार, बच्चा हो तो 2 बार दीजिए 3 बार दीजिए, अगर एडल्ट है तो सुबह शाम के लगातार दे दीजिए, ये मेंटल सिम्टम पर आप हमेशा जो है लोअर पावर हमेशा दीजिए। तो दोस्तों उसका अगला मेंटल सिम्टम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, माने उसके आत्मविश्वास ही कम रहेगी और जो कॉन्फिडेंस ही कमी रहेगी, तो आप जो लाइकोपोडियम 30 पावर की कुछ दिन दे लीजिए, तो मेमोरी आपकी जो कमजोर हो गई है मेमोरी आपकी ठीक हो जाएगी, और जो आपको आपका जो आत्मविश्वास गड़बड़ा गया है आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों जो लाइकोपोडियम में कैसी दवाई है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम रहती है हमेशा जो पेट से जो है परेशान रहते हैं, डाइजेशन से परेशान रहते हैं, डाइजेस्टिव पावर कमजोर है, तो आप लाइकोपोडियम 30 पावर से सुबह शाम चालू कर सकते हैं, लेकिन लीवर की परेशानी में आप गोली में आपको खाना पड़ेगा, इसमें जो है ड्रॉप इसमें नहीं चलेगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम फिर पेट पर है, डाइजेशन पर है, आप जो खाना खाएंगे वो जो है डाइजेशन नहीं होगा, वो फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन माने आप समझ गए कि उबलने लगता है जो है, माने करण मतलब कि आपका डाइजेस्टिव पावर कमजोर है, तो आप जो है लाइकोपोडियम जो है 30 पावर की सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए, आपकी पेट की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगला सिम्टम है फिर वही पेट पर है, इसमें आपको जो है नीचे का पेट का पोर्शन हमेशा जो है लाइक ए ड्रम एकदम फूला रहता है, तो आप परेशानी आपको कोई भी हो तो आप लाइकोपोडियम 30 पावर की सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपका पेट का फूलना बंद हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है सर्दी पर जो है, जैसे एलियम सिपा और फ्रेशिया में सर्दी होती है, नाक से पानी गिरता है, तो इसमें जो है नाक से पानी नहीं गिरता है, इसमें आप कोई एंटीबायोटिक दवाई खा दी है या दवाई नहीं खाए हैं, आपकी सर्दी अगर सूख गई है, अगर आपकी सर्दी, तो आप जो है लाइकोपोडियम 30 पावर की सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए, आपको आराम हो जाएगा, आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम है फिर जो है ब्रेन पर है, अगर आपका ब्रेन आपको लगे कि हमारी यादगार कमजोर हो रही है, एक पर्टिकुलर एज में जो है ब्रेन का जो फंक्शन है वो कमजोर होने लगता है, तो ऐसे पेशेंट को जो है जिनका एज 60 साल का हो गया, वो जो अगर लाइकोपोडियम 200 की हफ्ते में एक बार लगातार खाते हैं तो उनका ब्रेन पावर, ब्रेन मेमोरी कभी फेल नहीं होगी और उनका जो यादगार हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो दोस्तों उसका अगला सिम्टम है आप जो है बाहर से आए हैं, आपका जो गला खराब हो गया, आप ठंडा पानी तुरंत पी लिए हैं, वो चाहे फ्रिज का पानी पी लिए हो, तो ऐसा सिम्टम चूंकि आर्सेनिक में है, लेकिन आर्सेनिक में परेशानी रहेगी, बेचैनी रहेगी, लेकिन इसमें क्या है आपका गला जो है सोर थोट हो जाएगा, माने गला में खराश हो जाएगी, और उसका कारण है अगर आप ठंडा पानी पिए आप जो है लाइकोपोडियम 30 पावर की जो है कुछ दिन खा लीजिए, आपका जो गला की जो खराश है ठीक हो जाएगा।
दोस्तों उसका अगला सिम्टम है रीनल कॉलिंग, जिसको बोलते हैं किडनी में स्टोन होना। अगर किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन है, दर्द आपको इस रीनल रीजन में दर्द है, तो जो है लाइकोपोडियम 30 पाउडर की दिन में 3 बार 4 बार भी खा सकते हैं, तो उनका जो है रीनल कॉलिंग जो दर्द है उनका, उनको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको लाइकोपोडियम के बारे में बताया, जो सिम्टम मिले आप वो दवा खा लीजिए। आपका अगर एक भी सिम्टम मिलता है आप वो दवा खा लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, आप प्रॉपर कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। प्रॉपर कंसल्टेशन पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7059613492। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 7059613492। दोस्तों आशा आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा और एक चैनल है जिसका नाम है वोटा होम्योपैथी, इसका भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।